नमस्कार, मैं अंजू विविध चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ आज एक और रेसिपी। आपके साथ शेयर कर रहे हैं चने की दाल और उड़द की दाल की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी दाल बनती है और मैं इसको बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आपको बनाकर दिखाऊंगी। और उसके लिए हमें करना क्या है, किसी भी कटोरी से जिससे भी हम नाप रहे हैं उससे एक कटोरी चने की दाल और आधी कटोरी उड़द की दाल। उड़द की दाल को मैंने सिर्फ धो लिया है और इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया है चने की दाल को। अब इसको हम क्या करेंगे, एक कुकर में डालेंगे। इस कुकर में इन दोनों दालों को डालेंगे। इनको मैंने अच्छे से धो करके रख लिया है। अब इसको इस कुकर में डालकर और जिस कटोरी से भी हमने दाल नापी है उसी कटोरी से हम 2 कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। 2 कटोरी भर के पानी डालेंगे। दो कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 6-7 काली मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, 3 लौंग, 1 छोटी इलायची, इन सबको भी हम इसमें डाल देंगे। और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक, मैं करीबन 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसको हम ढक्कन लगा करके रख देंगे बनने के लिए। करीबन 2-3 सीटी आने पर, मीडियम आंच पर, और उसके बाद हम आपको दिखाते चलेंगे कि किस तरह से इसको हम तैयार कर रहे हैं। देखते हैं कैसी हुई है उबल करके तैयार। मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 3-4 सीटी लगा ली थी। दाल देखते हैं, दाल तो बहुत बढ़िया से तैयार हो गई है। अब हम करते हैं आगे का प्रोसेस शुरू। कढ़ाई को रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए और उसमें डालेंगे आप देसी घी। भाई ढाबा स्टाइल है तो घी वगैरह तो होगा ही, और अगर आप घी को अवॉइड करना चाहें तो जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी देसी घी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। घी हो गया है अच्छे से गर्म, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच करीब जीरा और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। और जब जीरा चटक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ये लहसुन जो कि हमने 6-7 कली को मारी काट लिया है, और ये अदरक जो 1 इंच करीब टुकड़ा था इसको भी हमने महीन चॉप करके डाल दिया है। जब लहसुन अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये एक मीडियम साइज की प्याज है जिसको हमने महीन चॉप कर लिया है, और प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमको, इसको सिर्फ थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च, ये 3-4 हरी मिर्च है, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको भी डालकर फिर इसमें अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च पहले डालेंगे जिससे कि इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। और 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको हम इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इन मसालों में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, करीबन 1/4 चम्मच, और इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये टमाटर, ये 1 मीडियम साइज का टमाटर है जिसको हमने काट लिया है। और टमाटर डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, क्योंकि थोड़ा नमक हमने दाल में डाला है, थोड़ा मसालों के हिसाब से इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम 1-2 मिनट इसको भूनेंगे जिससे कि बस टमाटर का पानी खत्म हो जाए और ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। और इसमें हम ये डाल देंगे,
डालकर हम इसको अच्छे से चला देंगे और इसको हम लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। अगर आपको दाल पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए तो उसके हिसाब से आप पानी घटा बढ़ा सकते हैं, पर मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम 1-2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। पहले ये 1-2 मिनट तक हमारी दाल अच्छे से पक गई। अब हम आँच को करेंगे थोड़ा सा तेज और इसमें डालेंगे 2-3 पिंच हींग। हींग के बिना तो दाल में टेस्ट ही कहाँ आता है, और इस तरह से आप दाल बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप इसको आप किसी भी चीज़, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, चावल, जिसके साथ चाहें उसके साथ यूज़ करें। इसको बाद 1-2 मिनट पकाएंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा फिर से गर्म मसाला ऊपर से और हरी धनिया। और ये दाल हो गई है बन करके बिल्कुल तैयार, बनने में बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली, कितनी ही टेस्टी। अब हम आपको इसको परोस करके दिखाते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, दाल हो गई है तैयार। देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है तो खाने में तो होगी ही, ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।